बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आज जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उसकी मज़म्मत भी करूँगा और दुआ करूँगा कि जो इस वाकये में ज़ख्मी हुए, खुदावंद ताला उनको जल्द सेहतयाबी दे, और अगर कोई इससे आज के इस वाकये में हलाक हुआ है, खुदावंद ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है जनाब स्पीकर साहब। तशद्दुद चाहे किसी फ़र्द की तरफ से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, या स्टेट की तरफ से हो, रियासती तशद्दुद, हमने हर वक्त उनकी मज़म्मत की है। और बदकिस्मत ये रही जनाब स्पीकर साहब, इस मुल्क के सियासी माहौल को हमने तशद्दुद से चलाने की कोशिश की है। बातचीत के दरवाजे जब हम बंद कर देते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग के तमाम दरवाजे जब बंद कर दिए जाते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है डायलॉग पर जब यकीन नहीं रखते और वो सियासी गुफ्तगू की बजाय हम जो है गालम गलूच पर आके खड़े हो जाते हैं, जिसका जिक्र अक्सर मैंने इस ऐवान में भी किया है कि जब हम जैसे लोग जब गालिम गलूच पर आ जाएंगे तो अवाम जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं उन पर क्या बीतेगी, वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। हम बैलेट पे यकीन नहीं रखते, हम ज़्यादातर जो बुलेट्स पर यकीन रखते हैं। यही इस मुल्क का जो है बदकिस्मती रही है कि हर दौर हुकूमतों में बुलेट्स को ज़्यादा तरजीह दी गई है। अवाम की आवाज़ को एक कान से सुनकर दूसरी कान से हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन बैरल से निकली हुई उस बारूद की आवाज़ को जो है हमने अपनी सियासी तारीख बना दी है। चाहे वो लियाकत अली खान का कत्ल हो, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कराची में उस पर अटेम्प्ट हुआ हो, या पिंडी में उन पर जो हमला हुआ जिसमें वो शहीद हुई, ये हमने एक तारीख बना दी है अपनी सियासी कल्चर की। इसमें ना कि सिर्फ बड़ी बड़ी क़यादतें शहीद हुए हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में पॉलिटिकल वर्कर, सियासी वर्कर जो है यहाँ से शहीद हो चुके हैं। और उस जमहूरियत की खातिर जिस जमहूरियत की बागदौड़ हमारे हाथ में, हमें ये तादाद गिननी होगी कि उस जमहूरियत की बागदौड़ में सियासी वर्कर, चाहे वो किसी सूबे से, किसी उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनकी शहादतों की तादाद हम देखें तो मेरे ख्याल में हम अपने वोट गिन सकेंगे, लेकिन उन शहीदों की जो है तादाद हम गिन नहीं पाएंगे। और उसके बाद उन शहदाओं की हमने हाल पुरसी तक नहीं किए, उन पॉलिटिकल वर्करों को जिन्होंने अपना खून देकर इस जमहूरियत को ईंधन बख्शा, लेकिन जब हम उस जमहूरियत की गाड़ी की स्टेयरिंग के पीछे बैठते हैं तो हमें उनके उस दिए हुए खून के बजाय हमें सिर्फ उस जमहूरियत की गाड़ी को स्पीड पर जो है हम अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसको दस्तूर आइन की बजाय हम उसको दस्तूर GHQ पर ले जाना चाहते हैं। यही इस मुल्क की बदकिस्मती रही। एक बार फिर मैं इस वाक़े की मज़म्मत करूंगा और ये मुतालबा करूंगा, चाहे वो मामला सुबह का हो या मरकज़ का हो, लेकिन इंसानियत का मामला है। वो कॉलीग जो आज जो ज़ख्मी हुए हैं, कल यहाँ पर बैठे हुए थे, हम एक साथ थे, चाहे यहाँ पर हम लोगों ने सियासी एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें की हैं, लेकिन हैं तो इस मुल्क के बाशिंदे, पाकिस्तानी हैं, इंसान हैं। बलूचिस्तान के लोगों को इंसान नहीं समझा जाता, इनको तो कम से कम इंसान समझा जाए। बड़ी मेहरबानी।